भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, हमें आज संविधान को बचाना है और इसके लिए हमें 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना है। अन्य राजनीतिक दलों से भी बातचीत चल रही है जो मोर्चा बनने जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने दल निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज अपने देश को, संविधान को, जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। चेहरा कौन होगा सर? अरे चेहरे की बात तो समय आएगी, सब सवालों का जवाब आएगा। नीतीश कुमार जी की भूमिका क्या होने वाली है? ये भूमिका सबकी यही होनी चाहिए और यही होने वाली है कि कितने लोगों को जोड़ सके जोड़े देश के हित में। सर, कांग्रेस की तरफ से कल क्या मैसेज रहा और अरविंद केजरीवाल ने क्या इसमें सिग्नल दिया? यार, सिग्नलें बहुत होते रहेंगे, बातचीत जब शुरू होगी, इतने सारे पार्टियां हैं तो ये सिग्नल्स आते रहेंगे और कई सारे होते रहेंगे, लेकिन मोमेंटम आगे बढ़ रहा है।